हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपको पता है कि एडवर्ब तक क्लास ख़त्म हो गया था कम्प्लीटली, उसका एक्सरसाइज भी मैं कल करा दिया था। 20-25 क्वेश्चन उसमें लेके आपको पिकअप करके दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें कैसे रूल बनता है ये भी बताया था कि क्लास जो पढ़ाया उस थ्योरी से रूल 100% लड़ा है कि नहीं। तो कल वाला क्लास आप नहीं देखे होंगे, जाके चैनल पर देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था। हम शुरू करेंगे वाइस, और वाइस होता क्या है, पैसिव वाइस एक्टिव वाइस एक्चुअली में होता क्या है, कैसे इसको समझते हैं, इसका यूज क्या है। तो आज का क्लास देख लेंगे तो आज को आपको कभी लाइफ में वाइस नहीं भूलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए वाइस, और आप पता है एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस होता है, एक एक पॉइंट समझिएगा। लिखा तो बहुत कम लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्योंकि आज बेसिक एकदम बताऊंगा कि बेसिक इसका है क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है। जब इसकी मीनिंग अच्छे से आप पता कर लेंगे ना कि एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पैसिव का एक्चुअली मीनिंग कहना क्या चाहता है, वाइस का मीनिंग कहना क्या चाहता है, जब इसका मीनिंग अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक है, आपको पता है कि बेसिक से ही क्लासेस स्टार्ट होती है, एडवांस तक जाती हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे, एक एक रूल बताएंगे। तो देखिएगा वाइस, वाइस मिस होता है क्या, वाच्य, वाच्य यही ना होता है हिंदी में। थोड़ा हिंदी का शब्द इसका अलग तरीका का है, वाच्य। अब देखिए वाइस होता क्या है, तो वर्ब एक्शन या वर्ब का वर्ब डूइंग, मतलब वर्ब एक्शन, वर्ब का जो कार्य, वर्ब एक्शन जो होता है उसको प्रदर्शित करता है, वर्ब के द्वारा एक्शन जो किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये फंडा हुआ कि वाइस वो है, ठीक है, वाइस वो है, वर्ब का वो रूप है जिसके द्वारा कर्ता पे या तो कोई काम किया जाता है या कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है। अब यहां पे आपको दो बात देखने को मिलेगी, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कोई वर्क किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, या सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क किया जाता है। दो बात यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि कर्ता के द्वारा वर्क किया जाता है या कर्ता पे वर्क किया जाता है, कर्ता पे कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, वर्ब का इसमें बात हो रही है। तो क्या अभी बोला हूं कि वॉइस वर्ब का वो रूप है, ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा के सुनिएगा कि जो वॉइस है वर्ब का वो फॉर्म है या रूप कहिए कि जिसमें पता ये चलता है कि कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या कर्ता पे कोई काम, जो सब्जेक्ट है उस पर कोई वर्क किया जा रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट पे कोई कार्य किया जा रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अब इसमें आपको यही पहचानना है, दो ही टर्म्स इसमें देता है। क्या देता है दो टर्म्स, कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या सब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा है। इन्हीं दो टर्म्स को आपको पहचानना है कि कौन एक्टिव में होगा और कौन पैसिव में होगा। ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो बताऊं मैं एक्टिव और पैसिव में कौन सा होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्लियर कराता हूं, उसे भी ध्यान से देखिएगा। कर्ता द्वारा काम किया जाता है या कर्ता कोई काम करता है, ये एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा। अब आइए एक्टिव और पैसिव ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक पॉइंट। एक्टिव वाइस, एक्टिव आप एक्टिव रहते हैं, समझिएगा, जीवन दैनिक जीवन में लेकर समझिएगा, एक्टिव वाइस आप जब एक्टिव रहते हैं तो आपके द्वारा कोई काम किया जाता है। क्या किया जाता है, आप अगर एक्टिव हो तभी तो आपके द्वारा कोई काम किया जाएगा, कि अगर आप एक्टिव ना हो तभी आप काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना? आप जब एक्टिव नहीं होंगे तो काम किया जाएगा नहीं ना? जब आप एक्टिव रहेंगे तभी तो आपके द्वारा काम किया जाएगा। इसका मतलब एक्टिव वाइस क्या है, कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, काम किया जाता है। समझ में आया कुछ? तो इतना तो क्लियर। अब इसका देखिएगा रूप, सही से क्या है कि वर्ब का वह रूप है एक्टिव वाइस,
जो कर्ता द्वारा सब्जेक्ट द्वारा किसी वर्ब को, सब्जेक्ट द्वारा किसी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है, वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है वो होता है आपका एक्टिव। अभी बताया हूं एक्टिव, परिभाषा छोड़ के आप दिमाग में रखिएगा कि एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट द्वारा किसी पे कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है। कंफर्म हुए ना? एक्टिव आप रहते हैं तभी तो कोई कार्य करते हैं किसी पे। बुक पढ़ते हैं तो बुक बुक की जगह पढ़ना आपके द्वारा क्या है, आप एक्टिव है ना, तभी तो आप बुक पढ़ रहे हैं, आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। पढ़ना यहाँ पे, पढ़ना आपके द्वारा काम किया जा रहा है, जब पढ़ना आप कर रहे हैं तो एक्टिव हो गया। एक्टिव वाला बात तो क्लियर। अब आते हैं पैसिव वाला, इसके जस्ट अपोजिट। दो ही टर्म्स आपको बताए थे कि एक तो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और एक सब्जेक्ट पे कार्य किया जाता है, तो एक आप तो कंफर्म कर लिए कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, तो वो हो गया आप एक्टिव। अब सब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं पैसिवाइज। तो क्या बताया हूं पैसिवाइज की, इसके द्वारा ये पता चलता है कि सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है, कर्ता पे कोई काम हो रहा है, या ऑब्जेक्ट पे कोई वर्ब, ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को प्रेरित कर रहा है। तो पैसिव वाइज एक्टिव वाइज एकदम क्लियर हो गया। दो टर्म्स आपको होता है, एक सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पे कोई काम होता है तो सब्जेक्ट जो जो काम किया जाता है, एक्टिव आप रहते हैं तभी तो सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं कोई वर्ब करते हैं तो होता है आपका एक्टिव। और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्ब की वो किया जाता है, या कर्ता पे किसी ऑब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, वो होता है आपका पैसिव। कन्फर्म? कोई दिक्कत नहीं, गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, देखिएगा। अब आइए एक एक पॉइंट अब क्लियर कीजिए। पहला तो आपको क्लियर हो गया कि वाइस क्या है, इसका दो रूप होता है, एक होता है एक्टिव वाइस, एक होता है पैसिव वाइस। एक्चुअली में एक्टिव वाइस क्या है, पैसिव वाइस क्या है, कितने क्या लेके आपको चलना है, तो बस दूर लेके चलना है, कर्ता द्वारा किया गया काम है, कर्ता पे किया गया। कन्फर्म हो गया यहाँ? अब देखिए एक्टिव वाइस का वही कह रहा है कि मीन सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन। एक्टिव वाइस मीन सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, जो एक्शन होता है कौन करता है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है। पैसिव वाइस में इसे लिख लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मीन सब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्शन, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करता है, इसका मतलब इस पे कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पे कोई कार्य किया जाता है। रिसीविंग एक्शन, सब्जेक्ट जो होता है उसके द्वारा यहाँ पे किसी एक्शन को क्या किया जाता है, रिसीव अपने तरफ किया जाता है। आप इसके द्वारा जब रिसीव अपने तरफ किया जाएगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा कि पैसिव वाइस है, एक्टिव आप रहते हैं तो आपके द्वारा कोई एक्शन किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पे आप कोई एक्शन करते हैं वो होता है आपका एक्टिव वाइस। पैसिव तो कंफर्म हो गया, ये आपका थोड़ा सा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कहानी पूरा क्या है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, द डॉग स्केयर्स द कैट, द डॉग स्केयर्स द कैट। यहाँ पे अभी एक्टिव वॉइस में कैसे है तो देखिएगा, द डॉग कुत्ता सब्जेक्ट हो गया, स्केयर्स आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे द कैट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि कुत्ता बिल्ली को डराता है, कुत्ता बिल्ली को डराता है, इसका मतलब कुत्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे डराना वाला, कुत्ता द्वारा जो वर्ब किया जा रहा है बिल्ली के ऊपर किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा। तो द डॉग सब्जेक्ट हो गया, इसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है, बिल्ली पे किया जा रहा है, बिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो कर्ता द्वारा यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है, इसलिए हो गया आपका एक्टिव वाइज। सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, आप सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, एक्टिव वॉइस। इसी का देखिएगा, द कैट इज स्केयर्ड बाय डॉग, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि बिल्ली कुत्ते के द्वारा डराया जाता है, या बिल्ली कुत्ते के द्वारा डराई जाती है, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुत्ते के द्वारा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा कार्य हो रहा है, प्रेरित किया जा रहा है किस पे, कुत्ते पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था देखिएगा इसको समझिएगा, द कैट इज स्केयर्ड बाई डॉग, बिल्ली कुत्ती के द्वारा डराई जाती है, या कुत्ती के द्वारा डराई जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, बिल्ली किसके द्वारा डराई जा रही है, तो सब्जेक्ट पे कार्य हो रहा है ना, कि सब्जेक्ट के द्वारा, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन नहीं करना, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट पे कोई कार्य हो रहा है।
तो सब्जेक्ट पे जब कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट पे कोई काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट कोई काम किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये तो बात क्लियर। अब इसका जब रूल जानेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इतना तक कंफर्म। देखिएगा इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसको हम इरेजर करते हैं थोड़ा बहुत, इसको साफ कर लिया जाए, क्योंकि जब साफ कर लिया जाए तो आपको दिखेगा अच्छे से। जनरल फार्मूला एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट या बी प्लस वी थ्री। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको आप पहले इधर खत्म कीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब देखिएगा द डॉग सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपको पैसिव वॉइस। इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आई अब एक्टिव वॉइस, सॉरी दोस्तों ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ आपका एक्टिव वॉइस, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा पैसिव वॉइस क्या होता है, तो पैसिव वॉइस देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री, वी थ्री मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री वाई प्लस सब्जेक्ट, आपको जाहिर सी बता है एक बात, आपको भी क्लियर हुआ है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाए तो सब्जेक्ट पहले रहेगा। ध्यान समझिएगा क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट पहले रहेगा, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, बस बात खत्म। हो गया आपका पैसिव वॉइस, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जनरल फार्मूला, इसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। देखिए व्हाट सब्जेक्ट डज और द फोकस इज ऑन द एक्शन, सब्जेक्ट क्या कर रहा है एक्टिव वॉइस में आता है। एक और इसका मीनिंग देखिए बता रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या कर रहा है आता है आपका एक्टिव वॉइस में। अभी तक तो बताया हूँ कि सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है, एकदम ध्यान समझिएगा, बेसिक है और आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये बात हुई। पैसिव वॉइस में द फोकस इज ऑन द एक्शन, अपने एक्शन पे फोकस करना, अपने द्वारा किए गए एक्शन पे फोकस करना। जैसे कि यहां पे देखे हैं राम किल्ड रावर और एक और यहां पे ए बनता है कि बी प्लस वी थ्री एक होता है इसका एक्टिव वॉइस में, ध्यान में रखिएगा ये गलत नहीं होता है। एक्टिव वॉइस का जनरल फार्मूला बी प्लस वी थ्री भी होता है, ठीक है। तो राम किल्ड रावर, राम सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, और आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए तो ये आपको हो गया एक्टिव वॉइस, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, यहाँ पे राम के द्वारा काम किया गया था, किस पे, रावण पे क्या काम किया गया था, तो मारना, जो यहाँ पे वर्ब का एक्शन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, राम के द्वारा, और यहाँ पे राम आपके सब्जेक्ट हैं और इनके द्वारा ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया था, किसके द्वारा, तो राम के द्वारा मारा गया था, रावण राम के द्वारा मारा गया था, और राम के द्वारा मतलब राम पे यहां पे काम हो किया जा रहा है, राम के ऊपर काम किया जा रहा है, रावण की मारने की जो बात हुई राम के ऊपर किया जा रहा है, और यहां पे राम खुद सब्जेक्ट खुद यहां पे एक्शन ले रहा है, और यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन पे फोकस किया जा रहा है। तो बात यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आई एम टीचिंग यू, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका वर्ब भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या आया, एक्टिव वॉइस। अब तो पहचान लेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें आता है देखिएगा, अब इसमें आइए देखिएगा, यू आर थॉट बाई मिस्टर विशाल कुशवाहा, मिस्टर विशाल कुशवाहा के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, या आपको मिस्टर विशाल कुशवाहा के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये बात यहाँ पे हुई। देखिएगा इसमें क्या क्या आया है, आप उससे नहीं पहचान पा रहे हैं, हिंदी में सेंस नहीं निकाल रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या आया है। सब्जेक्ट आया है हेल्पिंग वर्ब और थर्टी मेन वर्ब, ये वर्ब मान लीजिए, बाई आ गया, मिस्टर विशाल कुशवाहा ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बाई जब आ गया उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा
कि वाई का यूज हुआ है, इसका मतलब आप किस में वाई का यूज किए थे, तो वी थ्री का भी यहाँ पे यूज हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब वी थ्री का भी यूज हो गया, और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वी थ्री वाई प्लस सब्जेक्ट सब मिला, इसका मतलब ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो एक बात और यहाँ पे रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब वी थ्री और वाई का जब यूज हो जाता है सेंटेंस में तो आता है आपका पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस आपको पता ही हो गया। ये था आपका बेसिक एक्टिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो भूलेगा नहीं, दो ही बात रखना है कि सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है, दो ही काम इसमें होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब होता है एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, 100% कन्फर्म हो गया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा जो बताया हूँ, क्योंकि इसका पीडीएफ तो बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं पीडीएफ बना के भी प्रोवाइड किया था ग्रुप में, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, उसमें मैं पीडीएफ देता रहता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ बना के जब बन जाता है तो दे देता हूँ, प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपको कन्फर्म। अब तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आएगा फिर कोशिश करेंगे अच्छे समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद है फ्री में शिक्षा देना और आपको अच्छा से अच्छा बनाना, और कोशिश लगी रहती है, बस आप सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, कोशिश हमेशा लगी रहेगी। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा हूँ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले कोई वीडियो मिस ना हो। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और हाँ हाँ एक बात और, शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर करके छोटे प्रयास का हिस्सा बनिए।